हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। एक क्विक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है जो कि आपने थंबनेल में देखी ली होगी, ठीक है, तो उसको देखेंगे अभी। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद अंकित में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके के नोटिफिकेशन PhD एंट्रेंस रिलेटेड आपको मिल सके। और साथ ही साथ NTU UGC नेट में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे ज्योग्राफी को इजी एंड इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इन सभी से रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको जानकारी प्रोवाइड कराते रहता हूँ। बहुत सारे लेक्चर हैं जो मैंने ज्योग्राफी से रिलेटेड लिए हैं, आप इनको बिल्कुल फ्री में अटेंड कर सकते हैं और अपना ज्योग्राफी में अच्छे से अच्छा स्कोर सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, हमारे चैनल पर अभी एक लिमिटेड ऑफर चल रहा है जिसमें मैं आप सभी को एक बुक गिव अवे करने वाला हूँ। तो क्या है उसका कंप्लीट प्रोसेस आप इस वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड ऑफर है, जल्दी से जल्दी जाकर के देखो और देखना इसकी कंप्लीट क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफिल करके आप इस बुक को जीत सकते हैं। इसके अलावा आपने अभी तक आपने अगर मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है, अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पर जो स्पेशल क्लासेस, मैं फ्री क्लासेस ले रहा हूँ, डेली हम PYQ स्पेशल क्लासेस लेते हैं, ठीक है। तो जो GIS की देखिए हमने फ्री क्लासेस ली हैं, तो आप इनको यहाँ पर से जाकर के देख सकते हैं। डेली सुबह फ्री क्लासेस होती हैं, कोई भी इसका चार्ज आपको नहीं देना है, तो आप इसमें एनरोल करा सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक आपको मेरे प्रोफाइल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अनअकैडमी पर मुझसे कंप्लीट ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरा रेफरल कोड यूज करके अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम अल्टीमेट रिविजन कोर्सेज अभी चला रहे हैं। साथ ही साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफिकल टेक्निक का कोर्स कंप्लीट किया है, PYQ का कोर्स कंप्लीट किया है, अभी हमारा रिविजन कोर्सेज चल रहे हैं। इसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी को नेक्स्ट सेशन के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। अब आते हैं देखिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने मेन कंटेंट पर, कि आपको कुमाऊं यूनिवर्सिटी का जो मैंने आपको बताया था, जैसे ही इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा PhD एंट्रेंस एग्जाम का, तो मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ये टैब दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी के KU.NETGAL.ac.in पर जाएंगे वेबसाइट पर, तो ये आपको इस पेज पर लेकर के आएगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वेबसाइट का, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाले टैब में अगर आप जाते हैं, तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, इसमें आप यहाँ पर आएंगे। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं 2020 के BA एमएड के, आपको उसमें नहीं जाना है। रिसर्च डिग्री एंट्रेंस टेस्ट RDET 2020 में अगर आप जाएंगे, तो आप पहुँच जाएंगे डायरेक्टली इस पेज पर, ठीक है, एप्लीकेशन वाले पेज पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको अभी यहाँ पर पता लगेगा कि जो देखिए नया प्रेस नोट आया है, किससे रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड एक नया प्रेस नोट है, जिसमें यहाँ पर एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई है। देख सकते हैं आप कब आया है ये 15/10/2020 का ये एडमिट कार्ड है, लेकिन अभी ये शो हो रहा है यहाँ पर। तो अच्छा, यहाँ पर ये 15/10 से लिखा हुआ है, कब एडमिट कार्ड कब से आप डाउनलोड कर पाएंगे, इसमें सारी जानकारी इसके बारे में लिखी गई है। PhD का जो परीक्षा है 1/11 को होनी है, आप सभी को पता है, यानी कि 11 नवम्बर को सुबह रविवार को 11 बजे होनी है, 2 घंटे चलेगी, 1 बजे तक पूरी ये परीक्षा चलेगी। उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा 4 इसके सेंटर रहेंगे, देखो 4 सेंटर इसके रहने वाले हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हल्द्वानी निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान में COVID-19 महामारी के से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण सामाजिक दूरी, तो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करते हुए दृष्टिगत PhD जो प्रवेश परीक्षा है, यानी PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो MBA स्नातक ये हल्द्वानी में है MBPG कॉलेज, और परीक्षा केंद्र में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण आम्रपाली, अब देखो एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिली है जो आप अपना चेक कर लीजिएगा, आप सब में से जिन जिन का हल्द्वानी सेंटर था, आप जिन्होंने हल्द्वानी को ऑप्ट किया होगा, तो कुछ ऐसे हैं क्योंकि हल्द्वानी में ज्यादा भीड़ हो गई थी, जिसके कारण कुछ जो हल्द्वानी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आम्रपाली संस्थान में शिक्षा नगर लामाचौड़ हल्द्वानी को भी PhD प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए अतिरिक्त परीक्षा केंद्र बनाया गया है। MBPG जो स्नातक महाविद्यालय हल्द्वानी परीक्षा केंद्र में PhD प्रवेश परीक्षा 2020 की परीक्षा में भी सम्मिलित होने वाले पंजीकृत अभ्यर्थी, जिनका परीक्षा केंद्र आम्रपाली संस्थान शिक्षा नगर लामाचौड़ हल्द्वानी, ये भी लामाचौड़ हल्द्वानी में ही है, में बनाया गया है, ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र परिवर्तन की सूचना उनके PhD प्रवेश पत्र, यानी कि जो एडमिट कार्ड है, जिन जिन का चेंज हुआ होगा उनको एडमिट कार्ड में पता लग जाएगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कहाँ पर आपका क्या आम्रपाली में आप गए हैं या नहीं गए, उसमें आपको पता लग जाएगा, ठीक है। PhD प्रवेश परीक्षा 2020 में शामिल होने वाले प्रवेश पत्र, यानी कि जो एडमिट कार्ड है, विश्वविद्यालय द्वारा 20/10/2020, यानी कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ,
20 अक्टूबर को ये आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज से आप इस पीएचडी का जो ये एडमिट कार्ड है एंट्रेंस का, इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा वेबसाइट की वेबसाइट से। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद इस क्या करेंगे, अगर आप आपके पास ये अगर नहीं होगा तो आप प्रेषित नहीं किए जाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के पीएचडी प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन आवेदन भरते वक्त कोई त्रुटिवश, ठीक है, त्रुटिवश RDET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में अपना आवेदन कर दिया गया है, अंकित है, यानी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी जिनको एंट्रेंस नहीं देना है, वो अगर ऐसा कर दिया है तो अभ्यर्थी को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है, तो उसे ऐसे समस्त अभ्यर्थी पीएचडी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु तो अपना प्रत्यावेदन विद्यालय की विश्वविद्यालय की जो ईमेल आईडी है उसमें आप दे सकते हैं। 19 तारीख तक आप देख सकते थे, कल तक अब नहीं दे सकते, ठीक है। इस ये सारी जानकारी यहाँ पर है और बाकी चीजें आप पढ़ सकते हैं इसमें। आंसर की वगैरह के बारे में बताया है, देखो विश्वविद्यालय की जो उत्तर कुंजियां है वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को अपने विषय में किसी प्रश्न था विश्वविद्यालय द्वारा किए गए जो आंसर की है उसमें कोई अगर आपको चेंजेस लगते हैं, आप 4 नवंबर 2020 5 बजे तक अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप मानते हैं कि ये आंसर की में गलत दिया हुआ है, आप उसे चैलेंज करते हैं, तो 4 नवंबर 5 बजे तक आप उसको चैलेंज कर सकते हैं और अपना आंसर और उसका जो प्रूफ होगा, जाहिर सी बात है प्रूफ आपको सेंड करना पड़ेगा, तो आपको admission@kumaukunaital.ac.in पर सेंड करना होगा, ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो इसका आपको, इसके बाद जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो ये है कि आपका जो एडमिट कार्ड है एंट्रेंस एग्जाम का, वो आप 20 अक्टूबर को डाउनलोड कर पाएंगे, यानी कि आज से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पे फी, ठीक है, इन सभी के आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो अभी थोड़ी देर में हो सकता है कुछ देर में आपको यहाँ पर एक नया टैब दिखाई दे जिसमें आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, तो आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, या फिर अगर आप होम पर जाकर, हम देख सकते हैं होम पे जाने की कोशिश करते हैं, होम पे जाएंगे तो देखते हैं कि वहां पर क्या एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई टैब आपको दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं इस टैब में जाकर के एंट्रेंस एग्जाम का कोई आपको एडमिट कार्ड दिखेगा, तो देखते हैं यहाँ पर आपको पीएचडी एंट्रेंस का, देखो एडमिट कार्ड का एक यहाँ पर अलग से दिया गया है जिसमें कि आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड, तो यहाँ पर जाएं, अपना एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, और इसके अलावा आप अपना डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन रही, तो बताइएगा मुझे कैसे लगी वीडियो, और अगर आप हमारे चैनल का गिव अवे जीतना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर के ये जो वीडियो है जो मैंने आपको अभी दिखाया था उसको आप पूरा देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहां पर मिल जाए, ठीक है, और आप उस गिव अवे को जीत पाए, ठीक है। तो मिलते हैं इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।